ग्रीटिंग्स एवरीबडी, माय नेम इज़ आकाश कुलियाल एंड यू आर वॉचिंग आकाश F1। आज का हमारा टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब का मतलब होता है जॉब इज़ अ पीस ऑफ वर्क विद मनी इन्वॉल्वमेंट। कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम कहेंगे जॉब। कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। उस काम में लगाई गई लागत को निकालने की प्रक्रिया को हम कॉस्टिंग कहते हैं। सो वट इज़ जॉब कॉस्टिंग? कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ वर्क। किसी भी काम में किया गया खर्चा छोटे छोटे पैमानों में जब मिलकर होता है तो उस पर्टिकुलर काम की लागत निकालने को ही जॉब कॉस्टिंग असल में कहा जाता है। एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर बिल्डिंग बड़े पैमाने बनाई जा रही है तो हर एक रोल्स हम डिफाइन करते हैं जिससे कि जो वर्कर है, चाहे मैं अगर आर्किटेक्चर बिजनेस की बात करूँ चाहे बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, तो हर एक वर्क में हमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज़ डिलीवर करवानी पड़ती है, जिस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मैंने किसको कितना पैसा दिया। तो जॉब कॉस्टिंग की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कि सही लागत, ट्रू कॉस्ट। यूज़ क्या है इसका? पहला, टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की गहराई में जब हम जाएंगे तभी हम उस लागत को डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट, असली कॉस्ट वह होती है जो कि टोटल करने के बाद वह आए जो हमारी जेब से गया है। तो जॉब कॉस्टिंग की मदद से हम ये निकाल सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स कि असली लागत क्या है। एंड थर्ड, टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने प्रोजेक्ट का रिजल्ट तब पता चलेगा जब हमें असली लागत पता चलेगी। तो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे लॉस हुआ, जितना मेरे पास पैसा है वह प्रॉफिट है या फिर मुझे किसी को देना है, तो ये सब चीज़ें एट द एंड मुझे तब पता चलेंगे जब मुझे अपनी कॉस्ट पता चलेगी। मैं कभी भी किसी सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता ना प्रॉफिट को, मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जॉब कॉस्टिंग को पढ़ के हम ये सीखेंगे कि कॉस्ट जो हमारे अलग अलग कामों में गई या फिर जिस वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं उसका रीज़न क्या है। तो रिज़ल्ट असल में प्रॉफिट ही नहीं है, उसके बहुत ही बियॉन्ड है। धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे व्हाट टू डू, करना क्या है हमें। सबसे पहले हमें टैली ERP9 में सबसे पहले कॉस्ट एंटर बनाना है द प्रोजेक्ट। उसके बाद लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, परचेज ब्रैकेट में प्रोजेक्ट, सेल्स, सप्लायर, कस्टमर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इनकम डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। देन उसके बाद क्रिएट करनी पड़ेगी हमें इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टॉक आइटम, गोडाउन, और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा जॉब कॉस्टिंग से। उसके बाद हमें वाउचर क्लास बनानी पड़ेगी स्टॉक जनरल वाउचर के अंदर, ट्रांसफ़र नाम की एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की, जिसको हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं। और यह एग्जांपल है, कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत उन्हें 20 नए कंप्यूटर बनाने हैं IBP हाउस UP के लिए। इस पर्पज़ के लिए कंपनी ने दो प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, उनके वेजेस कंपनी डिफाइन करके रखी है जितनी 6500 रुपीज़ पर हेड। सभी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स को पिकअप किया जाएगा और डाला जाएगा पटेल नगर गोडाउन में। हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है रिक्वायर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग फीचर से टैली ERP9 के। और 19th ऑफ अप्रैल को हमने परचेज़ किया है इंटेल PIV प्रोसेसर, चिपसेट मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, DVD CW RW कॉम्बो ड्राइव जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती है, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट वगैरह वगैरह, सब ये रॉ मटेरियल्स हैं। सब के सब हम 20-20 पीसेस खरीद रहे हैं और यह है उसका बिल नंबर और यह है पार्टी जिससे हम वो खरीद रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उन सभी रॉ मटेरियल्स को डिस्पैच करना है प्रोजेक्ट लोकेशन में जिससे कि वो असेंबल हो जाएं, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा 1100 रुपये। ऑल्सो कंपनी ने बियर करे हैं टिफ़िन के खर्चे दो प्रोफेशनल्स के, जो कि मैंने बात की थी यहाँ पर जो हायर किए हैं दो प्रोफेशनल्स, तो इनकी रिफ्रेशमेंट में लगा है 150 रुपीज़ पर डे फॉर 2 डेज, पर डे पर हेड फॉर 2 डेज। हमने फिर रिसीव करे 20 असेंबल्ड PC मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। उसके बाद क्या रहा है कि कंपनी ने चार्ज किया 45,000 रुपये पर PC और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 7,000 रुपये प्रति PC IBP लिमिटेड से, जिनके लिए उन्होंने कंप्यूटर बनाए थे, यानी कि उनको कंप्यूटर बेच दिए गए और 7,000 रुपये प्रति PC चार्ज हुआ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो AMC कॉस्ट लगती है। उसके बाद ये बिल नंबर है सेल्स का। एंड देन हमने IBP लिमिटेड को पे किया, नहीं, IBP लिमिटेड ने हमें पे किया जो हमारा डेटर है 10,40,000 रुपये का चेक, एंड देन उसे SBI से रिसीव किया, देन हमने ड्यू अमाउंट पे करी। तो ये सब करते हुए एंड में हमें क्या दिया गया है, व्यू करना है जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट और मटेरियल कंजम्पशन समरी रिपोर्ट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके तहत हमें पता चलेगा कि हमारा माल कितना आया, कितना गया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टैली ERP9 पे ले जाने के लिए
हम चलते हैं टेली आपी नाइन के अंदर, एंड देन सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है जॉब कॉस्टिंग के नाम से। उत्तर प्रदेश में है कंपनी, एंड देन कंट्रोल ए। उसके बाद हम करेंगे F11 फीचर्स एंड देन F1 अकाउंटिंग फीचर्स, और जाएंगे हम उस ऑप्शन में जिसका नाम है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। असल में जॉब कॉस्टिंग एक कॉस्ट सेंटर ही है, और कॉस्ट सेंटर का नेचर ही ऐसा है कि वो हर एक जगह ट्रैवल कर लेता है, चाहे वो लेजर के लेवल पे हो, चाहे वो किसी गोडाउन के लेवल पे हो। तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना है। फिर आता है यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। दोस्तों अगर आप इसको येस करेंगे तभी आप जॉब कॉस्टिंग कर पाएंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि जॉब कॉस्टिंग असल में एक कॉस्ट सेंटर है, तो उसका मतलब वो ये है। एंड देन आप इन दोनों ऑप्शनों को येस करते हुए आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आता है इन्वेंट्री फीचर्स, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा और मेंटेन करने पड़ेंगे मल्टीपल गोडाउन्स एज येस। इसको भी कंट्रोल ए कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर्स क्रिएट। सबसे पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। परचेज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्ट IBP। हमेशा ध्यान रखिए जिस भी पर्टिकुलर पर्पस से हम वो काम कर रहे होते हैं वही प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो मैंने ब्रैकेट में प्रोजेक्ट इसलिए लिखा है, प्रोजेक्ट IBP, जिससे पता चल जाए कि ये जो परचेज़ है ये इस उद्देश्य के लिए है। यहाँ पे आप नोट्स डिफाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके बाद परचेज़ अकाउंट्स इनेबल करके यहाँ पर आता है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको डेफिनेटली यस करना है, अदरवाइज इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। कॉस्ट सेंटर से एप्लीकेबल क्यों यस करना है, क्योंकि अगर मैंने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस नहीं किया तो मैं वो कॉस्ट सेंटर भी नहीं ले पाऊंगा जो कि मैं जॉब कॉस्टिंग के रूप में नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। देन इसके बाद सेल्स ब्रैकेट में लिखना है प्रोजेक्ट IBP, इसे भी सेल्स अकाउंट के अंदर। उसके बाद आते हैं डेटर और क्रेडिटर के लेजर। हमारा जो क्रेडिटर है जिससे हम खरीद रहे हैं वो है ESSB टेक्नोलॉजीज, ये जाएगा क्रेडिटर्स के अंदर। इस पे आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जरूर इनेबल करिएगा जिससे कि पता चले कि ये प्रूफ क्या है इसकी परचेज का। एंड देन यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल आपको नो रखना है, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर के लेवल पे कभी भी कॉस्ट सेंटर हम देखना पसंद नहीं करते हैं, दैट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा डेटर का लेजर जिसको आप बेच रहे हो, तो वो कौन है, IBP लिमिटेड, और वो आपका कौन है, कस्टमर। तो आप डेटर्स बना सकते हैं। और एक बात और, आप एक काम और कर सकते हैं, आप एंड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कस्टमर, जिससे आपको कभी का डाउट ना हो। तो जब भी आप लेजर्स ऐसे बनाएं तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में आप जरूर लिखें, जिससे कि आपको डाउट ना हो कि ये पार्टी असल में थी कौन, कहीं मैंने परचेज वाला तो नहीं ले लिया, तो ये कौन है हमारा, ये हमारा सप्लायर है, अब हमारा कस्टमर है। सो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है साफ साफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर्स बनाने। कॉस्ट सेंटर्स का नाम होगा प्रोजेक्ट IBP, ये तो केवल है कॉस्ट सेंटर। पर अगर मैंने वाला ऑप्शन भी इनेबल कर दिया जिसका नाम है यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग, तो अब मैं इस कॉस्ट सेंटर का यूज़ करके जॉब कॉस्टिंग कर सकता हूँ। यानी कि जॉब कॉस्टिंग का मतलब समझ लीजिए काम की लागत निकाल सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को कनेक्ट कर सकता हूँ उस हर एक एंट्री में जहाँ पर मुझे लागत को कैलकुलेट करना है और अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है। इसके बाद अब हम चलेंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, और इन्वेंट्री बनाएंगे थोड़ी सी। स्टॉक ग्रुप्स के रूप में आप बनाएंगे रॉ मटेरियल्स का ग्रुप, देन फिनिश गुड्स का ग्रुप। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यूनिट्स बनाते हैं, पहले PCS जिससे बेस क्लियर हो जाएगा, देन गोडाउंस। गोडाउंस में क्या आएगा, सबसे पहले पटेल नगर गोडाउन। पटेल नगर गोडाउन में हमें माल डालना है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये रॉ मटेरियल गोडाउन है। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी लेना है, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद सेट जॉब और प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। इसमें आपको प्रोजेक्ट IBP लेना है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर गोडाउन को अपने कॉस्ट सेंटर यानी कि अपने जॉब कॉस्टिंग से कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। स्टॉक आइटम में जैसे कि सबसे पहले क्या है, इंटेल PIV प्रोसेसर, ये जाएगा रॉ मटेरियल्स के अंदर। PCS इसकी यूनिट है, उसको आप सेव कर दोगे। देन इसके बाद आता है इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड, रॉ मटेरियल्स के अंदर, इसको भी आप PCS लेके यस करके सेव कर देंगे। देन DDR RAM,
उसके बाद हार्ड डिस्क, देन डी बी डी सी डी आर डब्ल्यू कॉम्बो ड्राइव, देन कीबोर्ड, उसके बाद माउस, देन कैबिनेट विद SMPS, देन 15 इंच मॉनिटर, ये भी जाएगा रॉ मटेरियल्स के अंदर, दैट्स इट। इसके बाद हम चलते हैं परचेज़ की एंट्री करने। परचेज़ की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स, दबाएंगे F9 का बटन, बिल नंबर डालेंगे, बिल नंबर है PUR/17-18/12। पार्टी नेम, अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला क्योंकि आपने ब्रैकेट में सप्लायर लिख रखा है। देन आप लेंगे परचेज़ का लेजर, बिकॉज आपका बेस क्लियर है, आपने पहले से लेजर्स बना रखे थे, तो आप परचेज़ का लेजर लेंगे। परचेज़ ब्रैकेट में प्रोजेक्ट IBP लिखा हुआ है जिस पर्पज़ के लिए हम परचेज़ कर रहे हैं। देन आपको स्पेस दबाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक एक रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, इंटेल PIB प्रोसेसर। सबसे पहले आपसे पूछा गया गोडाउन, तो आप स्पेस दबा के लेंगे गोडाउन पटेल नगर रॉ मटेरियल। तो जैसे ही मैं इसको यस करूँ, सॉरी एंटर करूँगा, तो उसके आगे जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट IBP, तो ये परचेज़ मेरे प्रोजेक्ट से कनेक्ट होके मेरे को इफेक्ट दिखाएगी मेरी रिपोर्ट में। क्वांटिटी कितनी है? 20। रेट है इसका 4900। नेक्स्ट, इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड, ये भी 20 है, रेट है इसका 3800। नेक्स्ट DDR रैम, क्वांटिटी इसकी भी 20, रेट है इसका 1125। नेक्स्ट हार्ड डिस्क पटेल नगर 20, रेट है इसका 1650। उसके बाद DVD, ये सब हम खरीद रहे हैं, 20 1450, जिसमें आपकी CD चलती है, यू नो। उसके बाद कीबोर्ड 20 पीसेस एट द रेट ऑफ 300। देन माउस स्क्रॉल एट द रेट ऑफ 20, सॉरी क्वांटिटी 20, एंड देन 150 इज़ द रेट। आफ्टर दैट कैबिनेट विद SMPS, देयर इट इज़, 20 एट द रेट ऑफ 750। 750 का एक कैबिनेट है जो CPU में होता है। इससे आपकी ये भी नॉलेज क्लियर हो जाएगी कंप्यूटर बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है। 15 इंच मॉनिटर 20 एट द रेट ऑफ 3800। ऑल यू आर परचेजिंग फ्रॉम ESSBEE टेक्नोलॉजीज। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पर आपने परचेज कर लिया। यहाँ पर हम रिलेशन डाल सकते हैं बीइंग रॉ मटेरियल्स, परचेस्ड फॉर प्रोजेक्ट IBP। सो एंट्री हमारी हो चुकी है, ध्यान से आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इतने स्टेप्स जो भी मैंने करे उसको परफॉर्म करते रहिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी क्लियर हो, इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट थ्योरी। सो रॉ मटेरियल्स हमने परचेज कर लिए, सेव। सबसे पहले हम एस्केप करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करते हुए स्टॉक समरी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एज एन अकाउंटेंट आप अकाउंटेबल हो, जवाबदेही आपके अंदर हो हर एक रिपोर्ट के लिए, कि हर एक रिपोर्ट का इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले यह दिखा रहा है मैं कि हमारे पास इतने सारे रॉ मटेरियल्स हैं। आप F12 प्रेस करके सबसे नीचे आके ये वाला ऑप्शन अगर इनेबल करते हैं तो आपको गोडाउन भी दिख जाएगा कि किस गोडाउन में ये सब हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, देन जॉब वर्क एनालिसिस, एंड देन प्रोजेक्ट IBP। सो ये वो रिपोर्ट है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, इनवर्ड्स, कि अभी माल आया है, दैट्स वाई वो इनवर्ड्स दिखा रहा है हमें, ओके। इसके बाद अब मुझे क्या करना है,
मुझे इसी रिपोर्ट में एक चीज़ और देखनी है, वो है ये पटेल नगर रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर इनवर्ड वैल्यू, यहाँ पर मेरा फोकस है पूरा। इस रिपोर्ट में आपको ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि मेरे काम का इफेक्ट कहाँ हो रहा है। कंपनी लेवल पे जब आप वर्क करोगे तो आप बच के निकल नहीं सकते, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा हर एक पर्टिकुलर लेबल के लिए। तो दैट इज़ द लेबल पटेल नगर रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर इन्वर्ट हुआ है भी ये। सो यहाँ तक तो आपका पहला स्टेप क्लियर है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे जो रॉ मटेरियल गोडाउन में हैं उनको ट्रांसफ़र करना है मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में, अगर ऐसा कुछ है तो। तो हम क्या करेंगे, एक गोडाउन बनाएंगे जिसका नाम कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन, जो कि हमारा कहाँ हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रीत विहार में। सो इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन, और ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया, क्योंकि ये जो ये जो गोडाउन है इसमें जो भी हो रहा है प्रोजेक्ट से संबंधित ही है, तो आपको ये ज़रूर करना है। तो अब आपको क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट आपको अब नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, वाउचर टाइप्स, एंड देन ऑल्टर करना है एक वाउचर को जिसका नाम है स्टॉक जनरल वाउचर। स्टॉक जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर, जिसका यूज़ करके आप टू थिंग्स कर सकते हो, पहली मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। पर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं असल में वाउचर क्लास बनाऊँगा जिसका नाम होगा ट्रांसफ़र, एंटर, और यहाँ पर आप ऑप्शन इनेबल कर दीजिएगा जॉब कॉस्टिंग के लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर वाउचर क्लास का यूज़ करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे कंजम्पशन, कि मुझे इस पर्टिकुलर वाउचर क्लास का यूज़ करना है जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको यस करके सेव कर देनी है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इन्वेंट्री वाउचर्स पे आपको जाना है, ऑल्ट F7 दबाना है, और यहाँ पर आपको बोलना है कि मेरे को गुड्स ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ से यहाँ पर। तो डेस्टिनेशन पूछेगा आपसे, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर आपको गुड्स भेजने हैं, तो मुझे भेजने हैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में, जहाँ पर प्रोजेक्ट मेरे, जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल असेंबल होकर कंप्यूटर बनेंगे। इसके बाद आपको एक एक लेना है रॉ मटेरियल और इसे ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे मॉनिटर, स्पेस दबाइए आराम से, पटेल नगर लीजिए, क्वांटिटी लीजिए 20, दैट्स इट। एक एक करके ध्यान से गो विद द स्पीड, बट सेम टाइम रिमेंबर दैट यू हैव टू शो द एक्यूरेसी टू द वर्क। देयर इट गोस, हार्ड डिस्क, देन इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। लास्ट माउस स्क्रॉल, तो यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे रॉ मटेरियल्स थे पटेल नगर से भेज दिए मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में मैन्युफैक्चर होने के लिए। बीइंग ऑल रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फॉर असेंबलिंग। हमें क्या करना है, स्टॉक समरी में जाना है, ऑल्ट F1 दबाना है, तो वो सब हमें दिख ही रहा होगा क्योंकि ये सब हमारी पोजीशन में ही है। बट F12 दबा के आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन अगर आप यस करते हो तो आपको बता देगा कि कौन से गोडाउन में वो हैं। अब वो रॉ मटेरियल गोडाउन में नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में है। देन आपको DEJ दबाना है जॉब वर्क एनालिसिस के लिए, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब आपका कन्फ्यूजन बढ़ गया होगा, इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप इस रिपोर्ट में जरूर आइए। तो सेकेंड टाइम इस रिपोर्ट में हम विजिट कर रहे हैं, आपको इन्वर्ट्स में एंटर दबाना है और समझना है चीज़ों को कि ये सब क्या हुआ। अब देखिए, सबसे पहले पटेल नगर गोडाउन में माल आया तो इन्वर्ट हुआ था, देन इस एंट्री की वजह से पटेल नगर से माल गया तो इस वजह से यहाँ पर 3,58,500 आ रहा है, और क्लोजिंग वैल्यू में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि पटेल नगर में कुछ नहीं है। एंड अगर हम प्रीत विहार वाले गोडाउन में देखें तो वहाँ पर इन्वर्ट आ रहा है, और सामने देखें तो क्लोजिंग वैल्यू दिखा रही है 3,58,500। तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला कि ये सब हुआ क्या। तो ये क्लैरिफिकेशन तब क्लियर होगा जब आप हर एक एंट्री को करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर भी वही दिखा रहा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें फाइनली उन प्रोडक्ट्स को असेंबल करने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो वो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे, ऑल्ट F7 दबाएंगे, एंड देन कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन एक अलग चीज़ है, ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ है।
तो कंजम्पशन करने के लिए मैंने वाउचर क्लास कंजम्पशन जैसे ही ली तो ये कनेक्ट हो गई मेरे जॉब कॉस्टिंग से। स्पेस दबाया, आपको एक एक पर्टिकुलर मटेरियल लेना है, स्पेस दबा के गोडाउन लेना है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ है, 20 पीसेस, देन कैबिनेट अगेन 20 पीसेस, ध्यान से एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ, 1 2 3 4, नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, उसके बाद आता है इंटेल चिपसेट मदरबोर्ड, देन इंटेल पीआईवी प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस स्क्रॉल। तो ये सब कंजम्पशन में हो गया, ये कंज्यूम हो गया। एंटर दबा के आपको आना है डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर आप चाहे तो एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि बन के निकला है, तो उसका नाम है असेंबल्ड पीसी, जो जाएगा हमारे फिनिश गुड्स ग्रुप के अंदर। यूनिट्स है उसकी, पीसी है जिसमें मुझे मापेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम 20 20 पर रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए तो 20 पीसीज ही बनेंगे। तो स्पेस दबा के आपको क्या लेना है पहले, हाँ पहले वो आपसे गोडाउन पूछेगा कि उस गोडाउन में आपको ये डालना है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, गोडाउन यहाँ पर वो होना चाहिए जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैं एक गोडाउन ले लेता हूँ कि जहाँ ये प्रोडक्ट जाएगा, जिसका नाम है फिनिश गुड गोडाउन, और ये है फॉर एग्जाम्पल हमारा निर्माण विहार। देखते रहिए, और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि इसमें आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं करना है, प्रोजेक्ट आईबीपी, इसको आप नॉट एप्लीकेबल करिएगा और इसको ऐसे ही सेव कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर 20 क्वांटिटीज़ डालनी है, रेट नहीं डालना है क्योंकि रेट ऑटोमेटिकली निकलेगा कैसे देखते रहिए। और आपको यहाँ से अमाउंट लेनी है 3,58,500, और एंटर दबाना है, तो ऑटोमेटिकली रेट मेरा आ गया 79,25.00। और यहाँ पर आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग 20 पीसीज मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड, दैट्स इट। तो ये कंज्यूम हो गया और प्रोड्यूस भी हो गया। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद आपको आना है स्टॉक समरी के अंदर, ऑल्ट एफ1 दबाना है, तो सारे रॉ मटेरियल्स हमारे ख़त्म, 20 कंप्यूटर बन चुके हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट आईबीपी। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि जैसे कि कंज्यूम्पशन हो चुका है। तो अब आपका एक क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने वाउचर क्लास क्यों बनाई। वाउचर क्लास अगर हम नहीं बनाते तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं आता कंज्यूम्पशन के लिए, रिमेंबर दैट। और इनवर्ड्स में जाकर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले हमारे पास 3,58,500 रुपीज़ का रॉ मटेरियल था, जैसे कि जो आप देख सकते हैं इनवर्ड, देन हमने उसे ट्रांसफ़र किया तो क्लोजिंग हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर हमने उसे प्रीत विहार गोडाउन में जब ट्रांसफ़र किया तो प्रीत विहार गोडाउन के लिए तो वो इन्वर्ट हो गया प्रीत विहार में, क्योंकि वो आया है और वहाँ से कंज्यूम हुआ मैन्युफैक्चरिंग के रूप में और निर्माण विहार गया, तो इसलिए कंजम्पशन में दिखा रहा है कि इतना कंज्यूम हो गया और कुछ नहीं बचा। ये ज़रूर आपको करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो सेल्स करने से पहले आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड ऐसे बन तो सकता है नहीं, ऐसे और भी खर्चे हुए होंगे। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, अब एंट्री पास करनी है वेजेस की। तो ऑर्डर में सी से आप लेजर बनाएंगे वेजेस, जो कि होगा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस ऑप्शन को आपको यस करना है जिससे कि वो कॉस्ट सेंटर से कनेक्ट हो, जॉब कॉस्टिंग से कनेक्ट हो। और यहाँ पर आपको लेना है डेबिट में अमाउंट, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर सी से कैलकुलेटर खोल सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स वेजेस ले रहे थे एग्जाम्पल के तहत, जैसे कि मैं बात करूँ, वो वेजेस थे 6,500 रुपीज़ पर हेड। तो अगर 6,500 रुपीज़ पर हेड हैं तो दो पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल्स हैं, तो कितने हुए टोटल वेजेस, 6,500 × 2, तो 6,500 * 2 एंटर, सो 13,000 हमारा आ चुका है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आईबीपी लेना है जिससे कि कनेक्ट हो कि ये इस प्रोजेक्ट से ही संबंधित खर्चा है, एंड देन क्रेडिट में आपको करना है कैश, और ये आप सेव कर देंगे। इसके बाद लेना है हमें रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स रिफ़्रेशमेंट भी ले रहे थे, तो रिफ़्रेशमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं टिफ़िन एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोफेशनल विच इज़ रुपीज़ 150 पर डे पर हेड फॉर 2 डेज़,
₹150, पहले मैं लेजर बना देता हूँ, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। यू नो अकॉर्डिंग टू द मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, हमेशा आपको लेजर वो बनाना है जो कि मटेरियल से संबंधित हो। सो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो ₹150, आप ऑल सिटी में यहाँ पे ₹150 पर हेड, यानी कि टू इंडिविजुअल्स पर डे, यानी कि इंटू टू। तो लेट मी जस्ट सी, या 2 डेज के लिए वो है पर हेड, यानी कि दो इंडिविजुअल्स और ₹150। तो 150 इंटू टू इंटू टू, 600। ये प्रोजेक्ट से ही संबंधित है, एब्सोल्युटली। क्रेडिट में हम लेंगे कैश अगेन, देन डन। आफ्टर दैट, इसके बाद अब आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी लेना है। दिस इज सो इनिंग साउंड। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस की जगह आप लिख सकते हैं कैरिज इनवर्ड, क्योंकि ये जो कैरिज इनवर्ड है ये प्रोजेक्ट से ही संबंधित है, और ये तब हुआ था जब प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो अमाउंट कितनी है इसकी? इसकी अमाउंट है, लेट मी जस्ट सी अगेन, द अमाउंट इज़ 1,100 रुपीज़, एज यू कैन सी। सो 1,100 रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू माई प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ ऑल्सो आई पेड इन कैश। सो डन। सो इसका मेरे प्रोजेक्ट से क्या लिंक है, देख सकते हैं जैसे कि आप, क्योंकि मैंने सबको कॉल सेंटर से इनेबल किया है। तो इस रिपोर्ट में अब क्या दिखेगा मुझे, सबसे नीचे देखिए, कैरिज इन वर्ड एंड वेजेस, यानी कि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, जो प्रोजेक्ट से ही कनेक्टेड है। सो ऐसे खर्चे अगर आपके प्रोजेक्ट में होते हैं जॉब कॉस्टिंग के टाइम पे, तो आप उनको भी काउंट कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूँ कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन हुआ है 358,500 रुपये गुड्स बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में। 14,100 रुपये खर्च हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप ऑल्ट एफ वन करेंगे तो दिखेगा आपको कैरिज इनवर्ड और वेजेस, माल ले जाने में, दिहाड़ी में, और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 600 रुपीज़। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई अब तक, 373,200 रुपये। सो अब वक्त है इसको सेल करने का। सेल करने के लिए अब हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स की तरफ, एंड देन दबाते हैं हम F8 का बटन। रेफरेंस नंबर, यानी कि द बिल नंबर फॉर द सेल, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो कि है हमारा IBP-PRO-J/17-18/1, द पार्टी नेम। नाउ यहाँ पे हम, कस्टमर हमारा कौन है, IBP लिमिटेड, जिसके लिए हमने पीस कंप्यूटर बनाए हैं। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे स्क्रीन को। यहाँ पे लेंगे हम सेल्स, ब्रैकेट में जो लिखा है प्रोजेक्ट IBP, जिससे कि हमें क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट के लिए ही सेल्स है। देन अब यहाँ पर स्पेस दबाते ही हमारे पास दिख रहा है हमें असेंबल्ड PC जो हमें बेचना है। स्पेस दबा के आप गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, जिस गोडाउन से ये जा रहा है। रॉ मटेरियल में तो रॉ मटेरियल आए थे, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, और फिनिश गुड में जहाँ से ये प्रोडक्ट बिकेगा। क्वांटिटी लेनी है आपकी 20 पीसीस। अब रेट, रेट क्या रखेंगे इस पीसी का? देखिए क्वेश्चन में जैसे कि गिवन है, कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, कह रहा है इसमें 45,000 रुपीज़ पर PC एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 7,000 पर PC टू IBP लिमिटेड, और ये रहा बिल नंबर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 45,000 रुपीज़ PC, 9 लाख रुपीज़ हो गया। और यहाँ पर आपको अंडरलाइन के नीचे आना है, क्योंकि जब भी टैली में हम कोई भी एडिशनल चीज़ चार्ज करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो डिस्काउंट के रूप में, चाहे पॉजिटिव हो प्रॉफिट के रूप में, तो हमेशा वो चार्ज अंडरलाइन के नीचे ही होता है। और यहाँ पर आप एक लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से, जिसका नाम होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एज यू ऑल नो कि कंप्यूटर को रिपेयर की ज़रूरत होती ही होती है, तभी वो एक स्टेबल स्टेट में चलता है। तो इसलिए ये चीज़ मेरे लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये मैं दे रहा हूँ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में हम उन्हें ₹7,000 प्रति PC के लिए पूरे साल के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऑल्ट सी दबाना है कैलकुलेटर के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एनोइंग साउंड। 7,000 रुपीज़ इंटू हाउ मेनी PCs वी हैव, 20। सो ₹7,000 हम एक कंप्यूटर के लिए पूरे साल में चार्ज करेंगे रिपेयरिंग के लिए, चाहे कोई भी संबंधित प्रॉब्लम हो कंप्यूटर में, जब अगर होगी। और इसको इंटू हम करेंगे किससे, 20 से। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आएगा ₹1,40,000। और एंटर करते ही आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट से इसको कनेक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट से संबंधित ही कमाई है। एंटर। तो दोस्तों ये काम हुआ ख़त्म। फाइनली अब हम इसको सेल कर देंगे, बीइंग 20 PCs सेल सोल्ड टू कस्टमर।
सो 9 लाख रुपए में हमने टोटल सेल करी, जिसके अंदर नहीं जिसके एक्सक्लूसिव में 1,40,000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं आईबीबी लिमिटेड से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, जो हमारे लिए एक इनकम है, एएमसी चार्जेज जो हम बोलते हैं। जैसे मैंने सेव किया, DEJ आप करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल दिखेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब आपको इनकम तो आपकी दिखी नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट तो आपको नहीं हुआ है, यानी कि आपको सेल तो आपको दिखनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको डे बुक में जाना है, दिस इज़ रियली अ सीक्रेट, एंड सेल्स की एंट्री पर जाना है। इसको आपको कंट्रोल वी दबा के वाउचर मोड में इनेबल करना है, और यहाँ पर सेल्स प्रोजेक्ट IBP में जंप करना है, और इसको अपने जॉब कॉस्टिंग से कनेक्ट करना है, इस तरीके से, प्रोजेक्ट IBP से जो कॉस्ट सेंटर है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तब आपका इफेक्ट आ जाएगा आपकी रिपोर्ट का, जॉब वर्क एनालिसिस का, एज यू कैन सी। तो सेल्स अकाउंट्स में दिखा रहे हैं 9 लाख रुपए हमारी इनकम, 1,40,000 रुपये का खर्च इनकम हमारी, ये हमारी टोटल इनकम होगी 10,40,000, जिसके स्वरूप में कंजम्पशन हुआ है 3,58,500, कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल का है 14,100 रुपये, खर्चा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हमारा जो कॉस्ट लगा है वो लगा है 3,73,200, एज यू कैन सी, एंड इनकम हमने इसके अगेंस्ट कमाई है 10,40,000 रुपये। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 6,66,800 रुपये, ये है जॉब कॉस्टिंग। अगर आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, परसेंटेजेस भी इनेबल कर सकते हैं, शो बेस करेंसी सिंबल भी यस कर लीजिए, जैसे रुपए का सिंबल भी दिख जाए, तो दैट्स इट, ये है सर जॉब कॉस्टिंग। सो एज एन अकाउंटेंट आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने काम के लिए, तो माय डियर आपको ये रिपोर्ट्स बार बार आपको आना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए इसमें 5 या 6 बार इस रिपोर्ट में बार बार आया, जिससे कि मैं समझा सकूँ एक एक पॉइंट को कि ये सब क्यों हो रहा है। परसेंटेज में हमें चीज़ें दिखेंगी तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि 86% मेरी सेल्स की इनकम है, 13% मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, 34% मेरी कंजम्पशन है, 1.36% मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये मेरा इतना है, और मैंने अपनी कॉस्ट को 35.89% कम किया है, जिसकी वजह से मुझे 64.11% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और अब अगर हम चलते हैं इनवर्ट्स की तरफ, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारे लिए, ये तो जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था, मटेरियल कंजम्पशन समरी वाली रिपोर्ट आएगी, तो यहाँ पर हमें सिंपली वही डिफाइन हो रहा है जो पहले भी था। सो दैट्स इट, ये है जॉब कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, इफ़ यू लाइक दिस देन क्लिक द लाइक बटन, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जिनको जॉब कॉस्टिंग नहीं आती है, जिनको दिक्कत होती है। एंड If you like all these things, then just subscribe to my channel. Thank you all.